सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आपको के आई होप कि आप सब लोग मस्त हो गए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर गेम में बेस्ट ग्राफिक सेटिंग क्या रखें। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना दोस्तों। अगर आप लोग फ्री फायर खेलते हो और उसमें आप लोग हेडशॉट नहीं मार पाते हो, या फिर दोस्तों आपकी मूवमेंट ठीक ठाक नहीं हो रही है, या फिर दोस्तों आपका फ़ोन हीट कर रहा है गेम खेलते हो तो लैग करता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ग्राफिक सेटिंग सोच समझ कर रखनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों आपके फ़ोन के वेरिएंट के हिसाब से मैं बताऊंगा कि क्या बेस्ट सेटिंग रहने वाली है आप लोगों के लिए। अभी मजा आएगा ना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर किसी का फ़ोन होता है भाई 3GB का, ठीक है, और यहाँ पर किसी का फ़ोन 4GB का है, तो उस हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पर ग्राफिक सेटिंग रखनी है। अब किसी के पास भाई यहाँ पर 6GB वाला भी है, तो यहाँ पर उस हिसाब से उसको वहाँ पर ग्राफिक सेटिंग को अप्लाई करना है। तो इस हिसाब से 6GB हो, चाहे 8GB हो, चाहे 12GB हो, जितना भी हो, उस हिसाब से मैं आपको ग्राफिक सेटिंग बताऊंगा, ताकि आपका फ़ोन हीट ना करे और यहाँ पर आपकी जो मूवमेंट है और फ़ोन की जो भी आप गेम खेलते हो ना, कोई भी कमी ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपनी ग्राफिक सेटिंग। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ डिस्प्ले में। तो यहाँ पर भाई लोग आप लोग देख सकते हो मेरी ग्राफिक सेटिंग क्या है। मेरी जो ग्राफिक सेटिंग है मैं रखता हूँ, वो मैं रखता हूँ अल्ट्रा पे, ठीक है, अल्ट्रा पे। अब आप लोग सोच रहे हो भाई अल्ट्रा पे अब आप लोग मत लगा लेना, ठीक है। और यहाँ पर अल्ट्रा पे मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो मेरा फ़ोन है ना, वो है दोस्तों 12, ठीक है, 12 256 जो वेरियंट है। और इसमें जो प्रोसेसर पड़ा हुआ है स्नैपड्रैगन जनरेशन 3 का, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ोन है गेमिंग के हिसाब से। और ये S24 अल्ट्रा है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपके पास मान लीजिए 3GB का फ़ोन है, तो यहाँ पर आपको कितनी ग्राफिक सेटिंग रखनी है, तो भाई सिंपल है, आपको यहाँ पर स्मूथ लगाना है, ठीक है, और हाई लगाना। अब ये मत समझिएगा स्मूथ पे आपको परफॉर्मेंस में कोई कमी आएगी, ऐसा नहीं है। स्मूथ का मतलब ही है कि आपका गेम प्ले स्मूथ हो जाएगा और भी ज़्यादा मक्खन की तरह चलेगा। अब बात करते हैं 4GB वाले, तो भाई 4GB वाले हैं तो वो उनको भी यहाँ पर इतना ही रखना है, ठीक है, उनको भी स्मूथ। और यहाँ पर एक चीज़ देख लो, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये स्मूथ है ना, ये स्मूथ लगाना है। और नीचे आप देखो यहाँ पर ये जो हाई, ये ना, ये इसको हाई लगाना है, नॉर्मल पे मत लगा देना, इसको हाई रखना है, ताकि दोस्तों आपकी परफॉर्मेंस में कोई कमी ना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब बात करते हैं अगर आपके पास 6GB का वेरियंट है और 128 उसमें वहाँ पर इंटरनल स्टोरेज है, तो यहाँ पर आपको कितना रखना है, आपको लगाना है स्टैंडर्ड पे, ठीक है, स्टैंडर्ड पे आप लगा सकते हो। अगर आपके पास उसमें फ़ोन में जो भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं अच्छा प्रोसेसर है, तगड़ा प्रोसेसर है, तो फिर आप दोस्तों यहाँ पर अल्ट्रा भी लगा सकते हो, ठीक है, फिर आप अल्ट्रा भी लगा सकते हो, अल्ट्रा के साथ यहाँ पर आप जा सकते हो। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास दोस्तों 8GB का फ़ोन है और कर्रा प्रोसेसर है, तो यहाँ पर दोस्तों आप उसमें लगा सकते हो ये वाला अल्ट्रा, ठीक है, अल्ट्रा और हाई लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको अभी सेंसिविटी भी सेटिंग बताऊँगा, ठीक है, ताकि आपका जो गेम प्ले है ना, वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। हमारे मतलब आपको मैं सिखाया। तो देखिए यहाँ पर अब 8 जो भैया 8 वाले हैं ना, 128 वाले, उन्होंने तो लगा दिया अल्ट्रा और हाई। अब कुछ लोग सोच रहे हैं मेरा तो भाई 12GB का है, उसमें 500 है या फिर 256 उसमें, तो फिर भाई अब मैं क्या मैक्स लगा दूँ। तो देखो मैक्स, ये डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको मैक्स लगाना है या फिर नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों मैं पर्सनली मैक्स मुझे तो अच्छा लगता नहीं ग्राफिक्स, क्योंकि वहाँ पर अजीब बंदा वो भागता है, मतलब नुबड़ों की तरह मुझे तो पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर मेरे लिए जो बेस्ट है ना, वो मैं यहाँ पर अल्ट्रा, यहाँ पर ये अल्ट्रा और यहाँ पर ये नीचे हाई, ये बेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर कुछ बंदे सोच रहे हैं कि चलो अब बता देते हैं कि सेंसिटिविटी सेटिंग क्या रखनी चाहिए, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो भाई देखो यहाँ पर मैं जाता हूँ सेंसिटिविटी में, तो यहाँ पर देखो ये है सेंसिटिविटी, आप जो सेंसिटिविटी है वो भाई 200 हो गई है, तो 200 मत कर देना, नहीं तो फिर आपका बंदे के ऊपर एम नहीं आएगा, इधर उधर भागेगा, गजब बेइज्जती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर दोस्तों आपका फ़ोन यहाँ पर अगर आप किसी को भी हेडशॉट मारते हो और वहाँ पर मान लीजिए ड्रैग कर रहे हो और ऊपर से निकल रहा है, बार बार एम आपका ज़्यादा इधर उधर हिल डुल रहा है, भाग रहा है, तो फिर आपको दोस्तों यहाँ पर आपकी जो जनरल सेंसिटिविटी है ना, उसको दोस्तों यहाँ पर आपको कम करनी है, ठीक है, उसको आपको कम करनी है, लगभग 10 या फिर 15% कम कर देनी। जैसे अगर 100 है तो आपको यहाँ पर उसको 90 कर देना है, या फिर दोस्तों 85 कर देना है, ठीक है, जनरल, ठीक है। और अगर दोस्तों आपका एम बॉडी पे चिपक रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर
10 या फिर 15 प्लस कर दें, जैसे कि 100 है तो उसको दोस्तों यहाँ पर कर देना है आपको लगभग 115-120, ठीक है। करा तो ध्यान तो सुनिएगा, बॉडी पे जब पकड़ा है तो आपको प्लस करनी है, आपकी जनरल सेंसिटिविटी कम से कम 15 पॉइंट, मतलब 100 है तो 115 करनी है, और अगर आपका एम ऊपर से निकल रहा है तो फिर आपको माइनस कर देनी है, मतलब 100 है तो यहाँ पर 85 या फिर 90 कर देनी है। तो दोस्तों ये है ग्राफिक सेटिंग और सेंसिटिविटी सेटिंग आपके फ्री फायर के लिए बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।